शेरो मलिक नाम के एक व्यक्ति जो कि स्क्रैप व्यवसायी है दिल्ली का रहने वाला, उसके द्वारा कल रात्रि थाना साहिबाबाद पुलिस को मौखिक सूचना दी गई कि उसके कर्मचारी के साथ लूट की घटना कारित हो गई है राजेंद्र नगर चौकी के अंतर्गत। उसने बताया कि उसको अपने एक व्यावसायिक पार्टनर से 7 लाख रुपए लेने थे, जिसके लिए उसने अपने 20 वर्षों से विश्वस्त साथी गुलाब चंद को उसने भेजा, और वह रुपए लेकर के जब वो वापस लौट रहा था तो राजेंद्र नगर चौकी के अंतर्गत उसके साथ यह लूट की घटना कारित हुई। पुलिस टीम ने इसको गंभीरता से लिया और तत्काल मौके पर पहुंच करके उसने सारी स्थिति का जायजा लिया। उसकी लिखित सूचना के आधार पर आज उस समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। इसमें थाना साहिबाबाद की पुलिस टीम और ट्रांसेंडन जोन की स्वाट टीम के द्वारा संयुक्त रूप से इसके सफल अनावरण के लिए प्रयास किया गया, और इसमें घटनास्थल के आसपास लगे हुए सीसीटीवी कैमरे, रास्ते के सीसीटीवी कैमरे, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस तथा घटनास्थल के पास उपलब्ध जो भौतिक दशाएं हैं उनका गहनता से अध्ययन किया गया, और इस झूठी लूट की जो सूचना थी उसका पर्दाफाश किया गया। इसमें जिस कर्मचारी के द्वारा पैसे लाए जा रहे थे उसी के ऊपर तमाम साक्षियों से शक गहराया, और जब उससे कठोरता से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसके घर के 12 लाख रुपए उसके ऊपर लोन थे, और जिस लोन को लेकर के वह काफ़ी परेशान था। जब आज उसने एक मुश्त रकम देखी तो उसके मन में बदनीयती आ गई, और उसी बदनीयती के चलते उसने यह झूठा लूट का षड्यंत्र रचा और उसकी झूठी सूचना अपने मालिक और पुलिस को उसने दिया था। उसकी निशानदेही पर 100% इसमें रुपए बरामद कर लिए गए हैं और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है।